तो फ्रेंड्स, बिहार वालों के लिए खुशखबरी, अपने पंचायत में जॉब पाने का बड़ी मौका दोस्तों आई हुई है। बिहार के हर पंचायत में ये जॉब है दोस्तों, बिहार जॉब 2020। तो दोस्तों इसी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो दोस्तों ऐसा मौका आया हुआ है कि अपने पंचायत में रहकर ही आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कोई एक ज़िला या एक पंचायत की बात नहीं है, बिहार के प्रत्येक ज़िले में जितने भी पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में आपको ये बड़ी मौका देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा न्यूज़ जो कि आज का ही पेपर में यानी कि प्रभात खबर में दिया गया था, यानी कि आज बोले तो 16 जून के पेपर में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि रोजगार के लिए बैंक दे लोन और हर पंचायत में खोले शाखा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि राज्य में, यहाँ पे देख सकते हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से राज्य के सभी पंचायत में अपनी शाखा खोलने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और यहाँ पे कहा कि बैंक इसके लिए आगे आए और सरकार इसे मदद करेगी। तो बैंक की सरकार मदद कर रही है और बताया जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में अपना शाखा खोले, यानी कि कहे तो CSP। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि, और यहाँ पे साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोगों को लोन देने की अपील की, यानी कि लोन भी, जिनको लोन की आवश्यकता, उनको लोन देने के लिए, रोजगार करने के लिए लोन देने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि लोन दे, बैंकों को कहा जा रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है कि एनुअल क्रेडिट प्लान के लक्ष्य में बढ़ोतरी करने पर जोर दिया। और यहाँ पे लिखा गया है कि कहा कि ऐसा होने पर बिहार का ग्रोथ बढ़ जाएगा। और मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्य सचिव परिसर में स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित राष्ट्रीय बैंकर्स कमेटी की जो हो गया 72वां बैठक को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कहा, और यहाँ पे दिया गया है कि नए शाखाओं के लिए सरकारी भवन में जगह देने का आश्वासन। आप देख सकते हो सरकारी भवन, यहाँ पे भवनों में, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि नई शाखाओं के लिए सरकारी भवनों में जगह देने की आश्वासन। आपको बता दें कि सीएम की अपील है कि DPT से पैसे भेजने में कम समय लगे, यह व्यवस्था करें। और खास, यहाँ पे लिखा गया कि खास जमा अनुपात बढ़ाने के लिए एनुअल क्रेडिट प्लान के लक्ष्य में बढ़ोतरी करें। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो हो गया जीविका को लोन की सीमा जो पहले 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया। और यहाँ पे KCC के, यहाँ पे लिखा है KCC के बच्चे आवेदनों को जल्द मंजूरी करे बैंक। और यहाँ पे आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आप बात करते हैं पंचायत के लेकर, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो हो गया 8386 पंचायत है बिहार में, यानी कि पूरे बिहार में जो हो गया 8386 पंचायत है। और आपको बता दें कि 2266 बैंक शाखाएँ अर्ध शहरों में, यानी कि मात्र इतना बैंक है वो भी अर्ध शहरों में। तो आप जान सकते हो कि कितना आपको ये, आपको मिनी बैंक खोलने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि 7589 है और बैंक शाखाएँ हैं राज्य में, और 1601 बैंक शाखाएँ हैं शहरों में। आपको बता दें कि 3722 बैंक शाखाएँ हैं गांव में, और यहाँ पे 16,000 लोगों पर एक ब्रांच है बिहार में। और यहाँ पे दिया गया कि 11,000 आबादी पर एक शाखा है देश में। तो आपको कहना ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे बिहार में पंचायत जो हो गया 8386 है, और बैंक शाखाएँ की संख्या यहाँ पे देख सकते हो कि 2266 मात्र है, वो भी अर्ध शहरों में है। तो आपको अब बता दें कि जो लोग भी CSP लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मौका है अपने पंचायत में, यानी कि उसको कहें CSP यानी कि मिनी बैंक। तो अब इसके लेने के लिए आप किसी भी बैंक में जाकर आप उसके बारे में मैनेजर से पूछ सकते हैं कि हमको मिनी बैंक लेना है, तो आपको पूरी डिटेल्स बताएगा, या फिर उनका वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए। और आपको बैंक CSP अपने पंचायत में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैंक में जाकर, जो भी आपको नज़दीकी बैंक है, जो जिस बैंक का आप लेना चाहते हैं, बहुत सारा बैंक है, लेकिन आप जिस बैंक के चाहते हो वो भी बैंक को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सीट है, तो आप अपने बैंक में जाकर, अपने जो क्षेत्र में बैंक है उन बैंक में जाकर उसे पता करें कि बैंक के बारे में, कि हमको मिनी बैंक लेना है। तो आपको वो पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है और कैसे लेना पड़ता है।
तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मौका अपने पंचायत में जॉब पाने का। पंचायत में आप सरकार द्वारा और सरकार का वो बिहार सरकार आपको जो बैंक को भी आपको यहाँ पे मदद कर रही है वो भी लोन देने के लिए, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आने वाले समय में बैंकरों की यानी कहे तो मिनी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा जरिया होगा पैसा कमाने का और अपने रोज़गार के लिए अच्छा विकल्प माना जा रहा है और माना जाएगा भविष्य में, फ्यूचर में। जो लोग भी लेना चाहते हैं उसे आप ले सकते हैं, या फिर आप YouTube पर वीडियो वगैरह देखकर भी सीख सकते हैं कि कैसे वो लेना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और वीडियो तक को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।